नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम गोपाल ट्रेवलर और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी गौशाला गोधाम पथमेड़ा। दोस्तों ये है गोधाम महातीर्थ आनंद वन पथमेड़ा और यहां पर परमिशन लेने के लिए आपको यहां से जो है परमिशन लेनी पड़ती है और उसके लिए आपको यहां से मिलेगा प्रवेश पत्रक और उसके बाद में बढ़ते हैं अंदर। तो दोस्तों अंदर एंट्री करते ही और आपको अंदर यहाँ पे अतिथि जो स्वागत कक्ष है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि जो बाहर से आते हैं मेहमान और यहाँ पर जो स्वागत कक्ष है और यहाँ पे बैठ के मीटिंग भी ली जाती है और बाहर से जब मेहमान आते हैं वो यहाँ पर भी बैठते हैं और उसके बाद में यहाँ बैठते ही मेहमान के लिए तो मेहमान नवाजी के बाद में लस्सी भी पिलाई जाती है यहाँ पर और बैठा कर। और सर आपका शुभ नाम? अच्छा हरचंद राम जी पुरोहित आपको समझाएंगे गोधाम पथमेड़ा के बारे में। सर थोड़ा सा दो शब्द बोलो आप। यहाँ हमारे यहाँ गोधाम पथमेड़ा है जी सर, की विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है। हमारे यहाँ परिक्रमा में करीबन 3 किलोमीटर की परिक्रमा है और 3 किलोमीटर में पूरे के पूरे परिसर में गौ माता प्रधान दृश्य है। इसमें हनुमान दादा का दर्शन और उनके बाद में समृद्धि मैया का दर्शन, मनोरमा मैया की समाधि के दर्शन और गिरिराज भगवान के दर्शन, दत्तात्रेय के दर्शन, उनके बाद में आगे जाते सरोवर के दर्शन, शिव जी के दर्शन और अष्ट गो माता जो शुरू शुरू में 8 गो माता का संयम काल से छुड़ाए थे उनके भी दर्शन है। उनके बाद में आगे 2 किलोमीटर में प्रधान गो माता के दर्शन होते हैं। उनके बाद में धन्वंतरी विभाग है तो धन्वंतरी में दुखियारी गो माता जो बाहर से आती है उनके लिए गो माता की सेवा के लिए अलग 5 प्रकल्प रखे हुए हैं। और यहाँ एक कामधेनु शक्तिपीठ का भी मंदिर है, वो महीने में एक दिन शुक्लाष्टमी के दिन खुलता है। उस दिन सरोवर के किनारे 3 कुंड में उसमें स्नान करके भारतीय पोशाक में उनके दर्शन होते हैं। जय गो माता जय गोपाल। और दोस्तों सन 2000 में यहाँ पे नंदीशाला का भी एक अलग से, सर उनके बारे में भी थोड़ा बताओ। गोलासन का नंदीशाला भी यहाँ से इनका ही भाग है और वहाँ 16,000 नंदी है गोलासन में। वहाँ स्वयंभू भगवान हनुमान जी जमीन में से प्रकट हुए हैं और राम दरबार भी हमारी ये शाखा के हिसाब से बनाया है और गो माता भी अब वहाँ है नहीं, वहाँ नंदी पूरे पूरे 16,000 नंदी है नंदगांव। तो नंदगांव के बारे में 2 शब्द आप बताइएगा। नंदगांव ये सुंदर माता जी के पीछे रमणीय स्थान है, वहाँ 3,000 बीघे जमीन है, वहाँ गो माता 12,000 वहीं गो माता है, वहाँ प्राकृतिक हॉस्पिटल भी बना हुआ है। उनके अलावा वहाँ हमारे जो गो माता के जो गव्य बनते हैं औषधि के रूप में वो वहीं बनते हैं। ये है दोस्तों गोरक्षक हनुमान जी का मंदिर पथमेड़ा में और मैं आपको करवाता हूँ बाहर से दर्शन। मंदिर का दर्शन मैंने कर दिया है और मैं आपको दिखाता हूँ आगे का व्यू। दोस्तों गोधाम पथमेड़ा के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत अनुभव है मेरा, जो मैं आपको बताता हूँ कि 1993 के अंदर जो 8 गाय हैं वो कटनी में जा रही थी तो उस गायों को बचाकर गोधाम पथमेड़ा में पहली शुरुआत की थी 1993 के अंदर। उसके बाद में आज 2022 और 8 गाय से बढ़कर और आज गायों की संख्या 1,51,000 हो गई है दोस्तों, जिसमें 64 छोटी मोटी शाखाएँ हैं और नंदीशाला भी है और बहुत कुछ है। वो आपको मैं दृश्य है यहाँ का वो मैं दिखाता हूँ, तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आपको मैं अभी दिखाता हूँ कामधेनु गोरस भंडार। तो दोस्तों ये है गोरस भंडार यानी कि गायों से जो उत्पादित होके जो अलग अलग वस्तुएं बनती है, क्या क्या दवाइयां बनती है और क्या कुछ बनता है वो आपको पूरी अवगत करेंगे। सर नमस्कार। जय गो माता जय गोपाल जी सर। हम पुरोहित गोधाम पथमेड़ा के ट्रस्टी भी हैं जी सर। गो माता के वेद लक्षणा गो माता से निर्मित जो भी दूध की और घी की बनती मिठाइयाँ और दवाइयाँ हैं जी, गोबर और गोमूत्र से बनती हुई पूरी दवाइयाँ हैं जी सर, और पंचगव्य जो भी इसमें जो गाय की चीज है वही है बिल्कुल, गोबर से बनी हुई धूपबत्ती भी है, हाँ जी, च्यवनप्राश भी है जी, गाय का घी प्योर हमारे यहाँ। आगे आप जाओगे यहाँ से थोड़ा आगे अपने डेयरी बनी हुई है बड़ी, वहाँ से हाथों से बिलोना करके बनाया हुआ प्योर घी मिलता है जी जी। वेद लक्षणा गाय से दूध से निर्मित होके जो ये बनता है और एकदम ओरिजिनल प्रोडक्ट है यहाँ से तैयार होता है। ये है यहाँ का जो अतिथि आवास जो बाहर से आते हैं उनके यहाँ पे रहने के लिए। जैसे ही दोस्तों मैंने वहाँ से एंट्री है वो ले ली है इस गोधाम पथमेड़ा के अंदर और यहाँ के पूरे चारों तरफ है जो मैं अभी इनकी परिक्रमा लगाऊंगा और अंदर क्या क्या बना हुआ है वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ। और आप देखोगे कि ये साइड में जो है पौधे है वो बहुत ही अच्छा और यहाँ का अच्छा दृश्य आपको मैं वो भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं अभी आपको ले चलता हूँ श्री पंच गो माता मंदिर। अंदर का परिसर एकदम जो है हरा भरा है और यहाँ पर चारों तरफ पेड़ पौधे हैं वो लगाए गए हैं।
और मैंने मंदिर के अंदर है वो प्रवेश कर दिया है। वो यहाँ पर है पूरा का पूरा जो हरा भरा, और ये गोदा महातीर्थ आनंदवन जो है पथमेड़ा के अंदर, और इसकी स्थापना 1993 के अंदर भाद्रपद मास में देव स्वरूपा 8 गौ माताओं के शुभारंभ में हुई थी। तो मंदिर का है मैंने दर्शन कर दिया है और मैं आपको ले चलता हूं आगे। ये आप सामने देख रहे हो दोस्तों, ये है सत्संग स्थल, और यहाँ पर सत्संग भी होता है, और यहाँ की हरियाली से आपको मैं रूबरू करा दूं। तो आपको मैं ले चलता हूँ आगे, और बहुत कुछ है पथमेड़ा के अंदर, स्थल है वो बने हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर है संतों का निवास, और संत जो बाहर से आते हैं और यहाँ पे जो सेवा करते हैं। यहाँ पर कामधेनु भोजनशाला है, और ये सबसे बड़ा पानी का डैम है, और इसके अंदर पानी की है सप्लाई की जाती है। तो यहाँ का अंदर का परिसर एकदम है जो हरा भरा है, चारों तरफ हरियाली है, गार्डन है यहाँ पर, अनेकों प्रकार के यहाँ पर पौधे हैं, आम का पौधा और केले का, और जो अलग अलग जो प्रजातियों के हैं वो भी पौधे हैं, और उसके साथ में है बहुत ही बड़ा है वो गार्डन है। और मैं अभी आपको गौ माता की समाधि का स्थल यहाँ पे बना हुआ है उसका मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। तुलसी तेरे आंगन की वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी, और ये है जो कुटीर राधा कृष्ण जी का। तो दोस्तों गोदाम पथमेड़ा जो परिसर है अंदर का वो एकदम साफ सुथरा है, और यहाँ पर अनेकों प्रजातियों के है वो पेड़ पौधे जो आप मेरे बैक साइड में देख सकते हो वो लगे हुए हैं। अभी गाय अंदर बैठी है, और कुछ गाय है वो चारा है वो चल रही है। सारा का सारा जो जैसे गौ सेवा सदन है यहाँ पे, ये क्रमांक है कि यहाँ पे कितनी छोटी बड़ी गाय है, बैल कितने हैं, नंदी कितने हैं, पूरा यहाँ पे आकलन करके, और इसके अंदर है जो पूरी पूरी संख्या दर्शाई गई है। तो दोस्तों अभी मैं आपको ले चलता हूँ गोदनेश्वर महादेव जी का मंदिर, और कामधेनु सरोवर, और उसके साथ में श्री अष्ट गौ माता मंदिर जो कि इस तरफ है, और मैं आपको इस तरफ ले चलता हूँ। दोस्तों ये है गोदनेश्वर महादेव जी का मंदिर, ये है मंदिर अष्ट गौ माता का मंदिर, जिसमें विराजित श्री कृष्ण भगवान भी है गाय के साथ में, और अष्ट गौ माता का जो ये मंदिर है। मैंने दर्शन कर लिए है अष्ट गौ माता का और श्री कृष्ण भगवान का, और यह से मैं दर्शन करके आपको मैं आगे का लोकेशन दिखाता हूँ। तो आपको ले चलता हूँ आगे, आपको कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताना, और आप भी आपको भी इस वीडियो के माध्यम से है पूरे पथमेड़ा का और गोदाम का जो है मंदिर का पूरा दर्शन है वो करा रहा हूँ, और पूरा का पूरा यहाँ का जो नेचुरल जो इलाका है, पेड़ पौधे, यहाँ की पत्तियाँ, और यहाँ का गार्डन वो भी मैं आपको साथ साथ में दिखाता हूँ। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है कामधेनु सरोवर, और इस सरोवर की जो पानी की क्षमता है 2,11,000 लीटर की, और ये सबसे बड़ा है जो कामधेनु का यहाँ पर जो सरोवर है, और यहाँ पर स्नान भी किया जा सकता है, और जो पाप है उसको मिटा के और सुख समृद्धि की ओर आगे बढ़ने के लिए इस सरोवर का है निर्माण किया गया। यहाँ पर अलग अलग रहने के लिए गायों के बाड़े हैं वो बनाए गए हैं, और अंदर जो चारों तरफ की अंदर की साइड में है अलग अलग बाड़ों में जो गायें हैं वो गाय हैं वो आराम से चर रही है, कुछ गाय वो बैठी है। ये है धनवंतरी गौ चिकित्सालय, और यहाँ पर जो तमाम गाय हैं वो खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर गायों का है वो ट्रीटमेंट चलता है।
तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा भाई है विक्रम भाई, ये गौ सेवा करते हैं और यहाँ पर अलग अलग बाड़े हैं, कितनी कौन सी क्या गाय हैं, कितने बैल हैं और कितने जने के साथ में है जो सेवा की जाती है, यानी कि जो एक एक समूह होता है उसमें कितने लोगों की जरूरत पड़ती है। तो विक्रम भाई, तुम्हारे जितनी गाय से वाड़ा में कितनी गाय तुम सेवा करो और शू शू करो दिन में पूरा दिन काम? हाल में 65 गाय थे। अच्छा, 65 65 गाय ने। हाँ। उनका मोडवारा। हाँ। साराना। हाँ। डाळो मिक्समो। हाँ। बे टाइम पानी पावारो। हाँ। एटलो अमारो काम। हाँ। गोबर वाली बीजी है। हाँ हाँ हाँ। गोबर अमारे ना। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो इनके है जो गायों को पानी पिलाना और गायों को चार डालना, दोनों का काम रहता है और 65 से 100 तक गाय हो जाती है ना बाड़े के अंदर, और दिन को ये इनके काम चलता रहता है और सब। तो दोस्तों अभी मैं आपको ले चलता हूँ धनवंतरी गौ चिकित्सालय प्राथमिक और गहन चिकित्सालय विभाग है, और ये भी एक मंदिर जैसा प्रांगण है, और यहाँ पर अगर अंदर आप जाते हो तो सूज है, कृपया बाहर उतार के जाए। तो यहाँ पर गाय का है वो ट्रीटमेंट चलता है, और ये गाय है खड़ी नहीं हो पाती, इसलिए इसको दिन में 2 से 3 बार इधर से उधर है वो पलटा जाता है और इनका ट्रीटमेंट चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर अलग अलग जो है चिकित्सालय किया गया है गायों के लिए, छोटे मोटे बछड़ों के लिए, और यहाँ पर पूरे दिन है जो इनकी सेवा है वो लगी रहती है, और दिन में 2 से 4 बार गायों को इधर उधर करना, उनकी दवाई करना, ये सारा का सारा प्रोसेस है इस चिकित्सालय में गौ सेवा सदन में। यहाँ पे इनका वो काम रहता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों जैसा कि ये है काम धेनु भंडारण स्टोर, और इसके अंदर क्या क्या है भाई साहब बताएंगे? भाई साहब इसके अंदर क्या क्या है? भाई साहब इसमें पौष्टिका है और गायों के लिए जितना चारा होता है वो सब। अच्छा, गुड़ वगैरह सब ही अंदर है? गुड़ वगैरह सब इसमें। अच्छा, पूरा का पूरा स्टोर यहाँ होता है, जितना सामान मतलब आता है सब इसके अंदर रहता है। अच्छा, और आप यहाँ पर काम में लगे हुए हो? अच्छा, स्टाफ यहाँ पे काम करते हो? अच्छा, आप सप्लाई देते हो पूरा का पूरा जहाँ पे गौ माताओं के लिए? ये इतना होता है काम जाने के लिए, मैं यहाँ पर उनको देता हूँ। तो दोस्तों मैं आया हुआ हूँ गोदाम पसवेड़ा, और यहाँ पर मैं परिक्रमा लगा रहा हूँ मंदिर के अंदर, और यहाँ की जो हरियाली है वो भी साथ साथ में दिखा रहा हूँ, अंदर के मंदिर दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर समाधि स्थल है गोधाम, जो यहाँ पर जो स्नान करने के लिए बड़ा जो कुंड है वो मैंने आपको दिखाया, तमाम सारी है वो चीज़ें मैंने आपको दिखाई, और भी मैं आपको आगे ले चलता हूँ। लेकिन यहाँ की जो हरे भरे पौधे हैं वो एक मन लुभावन जैसा हो गए हैं, और मैंने सारी जो शूटिंग थी इसी कैमरे से की है, और अभी इसका जो है डिस्चार्ज हो गया, तो इसलिए मैंने मोबाइल से जो है आपके लिए वीडियो बनाना चालू कर दिया है दोस्तों। और ये चारों तरफ आप देख रहे हो ये है परिक्रमा मार्ग, और यहाँ पर लिखा भी गया है परिक्रमा मार्ग। तो अभी मैं इस बाइक से करता हूँ परिक्रमा, और आपको दिखाता हूँ आगे का लोकेशन। तो दोस्तों फाइनली मैं दूसरी बार जो है लस्सी पी रहा हूँ, और पहले भी पिलाई भाई साहब ने, और यहाँ पे बहुत अच्छी है सेवा हो रही है, और यहाँ पे बैठने के लिए ये ऐसा कुछ बना हुआ है स्वागत कक्ष। तो दोस्तों फाइनली आपको गोधाम महातीर्थ आनंद वन पथमेड़ा का है दर्शन मैंने आपको करा दिया है, और इस तरफ से मैंने जो परिक्रमा है जो स्टार्ट की थी इस तरफ से, और वहाँ से घूम के और मैं इस साइड से होते हुए अभी वापस यहाँ पर मेन मुख्य गेट पर मैं पहुँच गया हूँ, और मैंने आपको है पूरा का पूरा है जो मैंने जानकारी दी यहाँ पर मंदिर की भी जानकारी दी, उनके साथ साथ में आपने बहुत कुछ देखा होगा इस पथमेड़ा में इस परिसर के अंदर। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और आप भी यहाँ पर अगर आना चाहते हो तो भी आप आ सकते हो, और यहाँ पर जो अतिथि के लिए बैठने के लिए यहाँ पर भी है जो बहुत ही अच्छी सुविधा रखी गई है स्वागत कक्ष। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।